हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आखिर ट्विंस जल्दी पैदा क्यों होते हैं। यह अनुमान लगाया गया है सभी ट्विंस में से आधे से ज्यादा ट्विंस ऐसे होते हैं जिनका जन्म 36 वीक से पहले ही हो जाता है, जो कि सिंगल प्रेगनेंसी से लगभग एक महीने पहले होता है। ऐसा होने के पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर पेन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ट्विंस जल्दी पैदा होते हैं। एंड इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में से एक बीमारी है प्रीक्लैम्प्सिया। इसमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाने के साथ साथ आपका हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होना प्रीक्लैम्प्सिया ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती है। प्रीक्लैम्प्सिया को मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को जन्म देने के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। और इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा की समस्या होना, ट्विन्स बेबी में एक या दो प्लासेंटा हो सकते हैं, और प्लासेंटा जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को सहारा देता है और गर्भनाल के थ्रू बच्चे से जुड़ा रहता है। ये जो प्लासेंटा होता है वो माँ के गर्भाशय में अंदरूनी हिस्से से जुड़ा रहता है, लेकिन जब ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्लासेंटा ओ के साथ गर्भाशय की दीवार का एक बड़ा हिस्सा कवर होता है तो ये एक हाई रिस्क वाला कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। प्लेसेंटल एबॉर्शन या प्लासेंटा प्रीविया कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो टाइम से पहले डिलीवरी के संकेत दे सकती हैं। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये ट्विन्स बेबी के लिए एक अनोखी बीमारी होती है और ये तब डेवलप होती है जब ट्विन्स बेबी एक ही प्लासेंटा शेयर करते हैं, और इस बीमारी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो असमान तरीके से होता है, मतलब किसी बच्चे को ज्यादा मिलता है तो किसी बच्चे की तरफ कम पहुंचता है। तो ऐसे में अगर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो डॉक्टर को जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। और इसके अलावा कभी कभी महिलाओं में लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही उनकी जो पानी की थैली होती है वो 37 वीक से पहले ही फट जाती है, और इसको प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोला जाता है। और एक बार जब आपकी पानी की थैली फट जाती है, ऐसे में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से अगर आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक नहीं है तब भी डॉक्टर को जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक है, यानी कि ट्विन्स बेबी एक ही प्लासेंटा प्लस एक ही थैली शेयर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्भनाल के उलझने एंड गर्भनाल के दबने का खतरा होता है। कुछ मामलों में जहां ऐसा होता है तो ऐसे में ट्विन्स बेबी के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है टाइम से पहले डिलीवरी कराना। एंड इसके अलावा ट्विन्स में एक बेबी या फिर दोनों बेबी बहुत ज्यादा छोटे हैं एंड वो पूरी तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा तब होता है जब एम्नियोटिक द्रव कम होता है। एंड इसके अलावा ट्विन्स टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की समस्या होती है या प्लासेंटा की संख्या कम होना, और जब डॉक्टर को ये पता चलता है कि ट्विन्स बेबी पूरी तरह से बढ़ना बंद हो गए हैं एंड वो किसी प्रॉब्लम में है, तो ऐसे में जल्दी डिलीवरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।